सेवा कार्य की शुरुआत ही दूसरों के साथ मिलकर काम करने से होती है। हमें यह संदेश एक पीड़ित एडिक्ट तक पहुंचाना होता है कि सेवा कार्य की शुरुआत ही निस्वार्थ भाव से होती है, पर हमारे सेवा कार्य का एटीट्यूड वहीं समाप्त नहीं हो जाता। सेवा कार्य करते समय हमें खुद के इरादों पर और काम पर नज़र डालने की ज़रूरत महसूस होती है। सेवा कार्य में हमारी मेहनत ऐने में सबकी नज़र में आती है। ऐने के छोटे तालाब में बड़ी मछली बनना आसान होता है, इसलिए ध्यान रहे कि हमारा कंट्रोल करने वाला एटीट्यूड किसी नए मेंबर को भटका ना दे। ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सेवा कार्य में पूरे ग्रुप का विवेक काम करता है, ना कि आपके निजी विचार और चाह। हम अपनी सोच और राय ग्रुप के सामने रख सकते हैं ताकि एक सामूहिक विवेक कायम हो सके। उसके बाद जो विवेक विकसित होता है उसे हम स्वीकारते हैं। पते की बात यह है कि हमें साथ मिलकर काम करना होता है, ना कि उनके खिलाफ। जब हम एक सामूहिक विवेक पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तभी हम एकजुट होकर संदेश दे पाएंगे। ये सोचकर हमें अच्छा लगता है कि हम समूह के लिए सबसे बेहतर सोचते हैं, पर यदि हमें साथ मिलकर और अच्छा रास्ता मिल जाता है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके पीछे कौन है। जरूरी बात यह है कि संदेश पीड़ित एडिक्ट तक सही ढंग से पहुंचे। सिर्फ आज के दिन मैं ग्रुप में विवेक विकसित करने में भागीदार रहूंगा। मैं ये याद रखूंगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरे तरीके से नहीं हुआ। मैं अपने सभी सेवा कार्यों में अपने मुख्य उद्देश्य के बारे में सोचूंगा। मैं एक न्यू कमर तक संदेश पहुंचाऊंगा।